आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखा जिसकी तीन भुजाओं और दो विकर्णों के माप ज्ञात हों। आज हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। यह है आरव। उसकी ड्राइंग क्लास में उसकी अध्यापिका उसे कुछ ओरिगामी शीट्स, ग्लू और कैंची की मदद से इस आकृति का निर्माण करने के लिए कहती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में कान बनाने के लिए जिस लाल आकृति का प्रयोग किया गया है उसका नाम क्या है? जी हां, ये एक चतुर्भुज है। अध्यापिका आरव को बताती हैं कि कान बनाने के लिए जो चतुर्भुज चाहिए उसकी तीन भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है तथा उसके दो विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर व 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चूंकि आरव प्रायोगिक ज्यामिति की कक्षा में ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीख चुका है तो वो आसानी से इसका निर्माण कर लेता है। एक, सबसे पहले आरव एक कच्ची आकृति ए बी सी डी का निर्माण करता है जो कुछ ऐसी दिखती है। दो, अब वो भुजा 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 कसौटी का उपयोग कर कुछ इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी की रचना करता है। इसके लिए सर्वप्रथम वो बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचता है। अब बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचता है। फिर डी को केंद्र मानते हुए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप खींचता है और दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को ए से नामांकित कर देता है। बिंदुओं बी और डी को बिंदु ए से जोड़ने पर त्रिभुज ए बी डी मिलता है। अब उसे ज्ञात करना है कि बिंदु सी कहां स्थित होगा। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी एक विकर्ण है। वो ए को केंद्र मानकर सम्मुख दिशा में 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचता है और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक और चाप खींचता है जो बिंदु ए से खींचे गए चाप को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु ए बी और डी को बिंदु सी से जोड़ दीजिए। इस प्रकार आरव को एक अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो जाता है जिसमें ए बी बी सी ए डी दी गई भुजाएं हैं और बी डी व ए सी दिए गए विकर्ण हैं। आज इस वीडियो में हमने सीखा एक चतुर्भुज की रचना जब तीन भुजाओं और दो विकर्णों की लंबाई दी हो। उम्मीद है कि आपको ऐसे चतुर्भुज की रचना करना अच्छे से समझ आ गया होगा।